अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद करती हूँ आप लोग खैरियत से होंगे। आज की मेरी जो एक्सप्लेनेशन का टॉपिक है वो है चाइना के फेस्टिवल के बारे में। अपनी वीडियो स्टार्ट करने से पहले चाहूँगी कि अगर आपको मेरी वीडियोस, मेरी एक्सप्लेनेशन अच्छी लगती है तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें, और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा ताकि मेरी हर आने वाली न्यू वीडियो आपको बआसानी मिल सके। तो वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं। आज मैं आपको चाइना के फेस्टिवल के बारे में बताऊँगी। वह तो आप लोग जानते हैं व्यूवर के, जब कोई फेस्टिवल आता है, चाहे वो मुस्लिम्स का हो चाहे वो नॉन मुस्लिम्स का हो, हम लोग कपड़ों की वैरायटी बनाते हैं और जो है वो अपने घरों को सजाते हैं, डेकोरेट करते हैं अपने फेस्टिवल को मनाने के लिए। चाइना के अंदर हमारे पास वैसे तो फेस्टिवल्स की बेइंतहा वैरायटी है, मगर हमारे पास तीन फेस्टिवल्स जो हैं वो हमारे पास सबसे ज़्यादा हाईलाइट होते हैं, जिसमें पहला है स्प्रिंग फेस्टिवल, दूसरा है ड्रैगन बोट फेस्टिवल और तीसरा हमारे पास है मिड ऑटम फेस्टिवल। तो आज मैं इन तीनों फेस्टिवल के बारे में आपको थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन दूंगी। पहले हम बात कर लेते हैं स्प्रिंग फेस्टिवल के बारे में। हमारे पास जो स्प्रिंग फेस्टिवल है वो हमारे पास चाइनीज के वेस्टर्न कैलेंडर के पहले मंथ की पहली तारीख को मनाया जाता है। और ये किस तरीके से मनाते हैं कि ये लोग जो है पहली तारीख को मनाते हैं और ये मानते हैं कि ये जो नया आने वाला साल है ये हमारे लिए बहुत ज़्यादा खुशियों वाला है। इसके साथ साथ ये लोग जो है इसके अंदर लॉयन का और ड्रैगन का जो है वो डांस वगैरह भी इस फेस्टिवल के अंदर सेलिब्रेशन में करते हैं, जो कि इनका मनाने का तरीका है। उसके बाद हमारे पास दूसरा आता है ड्रैगन बोट फेस्टिवल। ड्रैगन बोट फेस्टिवल हमारे पास बोट से ही पता चलता है कि ये आपके पास एक तरह से पानी के अंदर कश्तियों का मुकाबला है। और हमारे पास ड्रैगन बोट किस तरीके की होती है, पतली होती हैं, लंबी होती हैं, काफ़ी सारे लोग उसमें चाबुक लिए बैठे होते हैं और उसे पानी में चला रहे होते हैं। जब हमारे पास ड्रैगन बोट फेस्टिवल को मनाया जाता है तो उस टाइम वो लोग जो उनका अपना जो पोइट है, जो शायर है क्यूयॉन, उसकी याद में ये फेस्टिवल मनाया जाता है। और इस फेस्टिवल के अंदर ज़्यादातर जो खाने के लिए इस्तेमाल होती हैं चीज़ें, उनमें ये लोग ख़ास तौर पर राइस की जो डम्पलिंग बनती हैं, जो लीफ के अंदर रैप होती हैं, लीफ में पत्तों में कवर होती हैं, इस चीज़ को, राइस डम्पलिंग को बहुत शौक़ से इस फेस्टिवल में खाया जाता है और बहुत शौक़ से वहाँ बनता भी है। तीसरा हमारे पास आता है मिड ऑटम फेस्टिवल। मिड ऑटम फेस्टिवल हमारे पास वो फेस्टिवल है जिसके अंदर लोग जो हैं वो खुशियाँ तो मनाते हैं और साथ साथ जो है वो हमारे पास ये फेस्टिवल जो है वो 15 तारीख को और इनके कैलेंडर के हिसाब से 8वें महीने में जो है वो मनाया जाता है। और ये आपका जो मिड ऑटम फेस्टिवल है, ये हमारे पास ये लोग ये कहते हैं कि ये जो है इनका मून फेस्टिवल कहलाता है। तो जो इनकी ड्रेसिंग होती है मिड ऑटम फेस्टिवल के अंदर वो जस्ट वाइट कलर से होती है कि ये लोग इस फेस्टिवल को मून फेस्टिवल के तौर पर मनाते हैं। इसके साथ जो ड्रैगन बोट फेस्टिवल होता है वो हमारे पास 5 तारीख को और इंडिया कैलेंडर के हिसाब से 5वें महीने में मनाया जाता है। तो व्यूअर्स, ये थे चाइना के वो तीन मेन फेस्टिवल्स जो बहुत ज़्यादा जो है वो जोश व खरोश के साथ मनाए जाते हैं। उम्मीद करती हूँ आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू।